अस्सलाम वालेकुम। टुडे 17 नवंबर 2020 वी हैव डन न्यूज़ स्पेशली सो आई विल रीड एंड आई विल ट्रांसलेट इनटू उर्दू लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू डिडंट डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। एफओ मीन्स फॉरेन ऑफिसर रिजेक्ट्स रिपोर्ट अबाउट यूएसए प्रेशर टू रिकॉग्नाइज इसराइल एज फैब्रिकेशंस। जो फॉरेन ऑफिसर है उसने क्या रिजेक्ट किया है जो यूएस की रिपोर्ट थी जो प्रेशराइज करके दबा डालकर जो इसराइल को क्या रिकॉग्नाइज करना उसको तस्लीम कर लेना ये फैब्रिकेशन रिपोर्ट ये क्या झूठी रिपोर्ट थी। दूसरी ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर है। इंडिया डज नॉट क्वालिफाई फॉर यूएनएससी मेंबरशिप। इंडिया क्वालिफाई के लिए एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर सकती, नहीं करती है। पाकिस्तान से इस जनरल असेंबली डिबेट में कहता है कि इंडिया वो यूएनएससी मेंबरशिप को क्वालिफाई नहीं करता है। दूसरी ये जनरल है फ्री बस लिख दिस इज़ वेरी जनरल रिपोर्ट, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। स्पेशली ये करंट अफेयर हवाले से बात करें ये क्या जनरल है। बांग्लादेश शॉक, बांग्लादेश का जो शॉकब था अप्लोगाइज फॉर अटेंडिंग हिंदू सेरेमनी इन इंडिया। जो शॉकब बांग्लादेश जो क्रिकेटर है उसने क्या अप्लोगाइज उसने माफ़ी मांगी है जो हिंदू सेरेमनी इंडिया में थी उसको अटेंड करने के लिए उसको उसमें शिरकत करने के लिए अप्लोगाइज मीन्स माफ़ी मांगना। यहाँ से अप्लोगाइज इसलिए बोला गया है कि क्योंकि जो शाकब है उसने कि माफ़ी मांगी है सब्जेक्ट सिंगुलर उसके बताया। जर्मन्स मार्कल सेज शी इज़ वरीड अमंग सॉरी अबाउट पेंडेमिक इन बर्लिन। जर्मन्स जो एक मार्कल था उस वो कहता है कि ये बहुत परेशान है पेंडेमिक के हवाले से बर्लिन में। कराची लाहौर टू बैटल इट आउट टू नाइट फॉर पीसीएल ग्राउंड। कराची और लाहौर के बीच में एक मैच खेला जा रहा है वो के बैटल है आज रात होगी। स्पेस एक्स कैप्सूल विथ फॉर एस्ट्रोनॉमिस टीच स्पेस स्टेशन। ये बोला जाए स्पेस कैप्सूल है दो एस्ट्रोनॉमिस वहाँ से पहुँचते हैं। टी एल पी क्लेम्स तहरीक तालिबान क्लेम्स टी एल पी सिंगुलर तो उसके तहत ये क्या राइटर ने सिंगुलर बब पुट किया है। टी एल पी क्लेम्स गवर्नमेंट एक्सेप्टेड ऑल इट्स डिमांड। जो तहरीक तालिबान वो दावा करती है कि गवर्नमेंट ने क्या जो गवर्नमेंट है उसने डिमांड उसके जो मुतालबात थे उसको कबूल कर लिए। लयारी गैंगस्टर्स बींग यूज बाय रा जो लयारी में गैंगस्टर थे उसको यूज़ किया गया उसको इस्तेमाल किया गया किसके पारा बाय रॉ ने इस्तेमाल किया फॉर सेक्टरेन किलिंग्स। सेक्टरिंग से जो सेक्टर जो फुरका एक मजहबी सिस्टम जो अकीदत मतलब उसको किलिंग करने के उसको कत्ल करने के लिए ये एक सीटीडी ने बताया है। उसके साथ ये नीचे वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं अगर आप चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एडिटोरियल। डिस्पाइट बिलावल मरियम्स स्प्रेटेड कैंपेन ये बोला जा रहा है बिलावल और मरियम के कैंपेन जो तहरीक के बावजूद जोश और जज्बे वाली तहरीक के बावजूद द जी बी इलेक्शन हैज़ चूजिंग टू वोट एज पर कन्वेंशन। जो जी बी की इलेक्शन है वो इलेक्टोरेट के किया है जैसे कि कन्वेंशन वोट को कन्वेंशन कराए। दूसरी ये जनरल रिपोर्ट है पीपी सेट्स द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन बख्तार भुट्टो जरदारी हैज़ बीन टू बी पीपी ने क्या एक सेट्स मीन्स मेक करती है रिकॉर्ड बनाती है स्ट्रेट जो सीधा तरीके जो बख्तार भुट्टो जरदारी है उसी उसकी जो मैरिज है वो एक आरडी शादी कार्ड है ये मैरिज हेल्ड की जा रही है वो हेल्ड होगी 27 नवंबर 2020 में इंगेज सेरेमनी होगी। दूसरा ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल है व्हाट विल बाइडन मीन फॉर पाकिस्तान ये क्या आर्टिकल है अगर पास चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बाइडन पाकिस्तान के लिए क्या मतलब होगा। दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है कैनॉट बी ऑब्जेक्ट ऑन फैसिज्म जो है उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं।
दिस इज़ स्पेशली हम बोलें तो ये क्या एक एक्सचेंज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, आप को चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ कॉम्पिटिशन। ये क्या जनरल मोस्टली हम 50% इसके चांसेस हैं। डज द ऑब्सेशन टू टेलीविजन, जो ऑब्सेशन है जो दबा रहा है टेलीविजन करने, एवरी स्पीच डायलॉग निगेट द आइडिया ऑफ मीनिंगफुल एक्सचेंज। ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है, ये बोला जा रहा है कि ऑब्सेशन करना, सप्रेस करना, जो स्पीच है जो तकरीबात की जा रही है उसको ऑब्सेस करके उसके लिए जो आइडियाज है वो उसको क्या निगेट करना, उसको हटा देना, निगेट में रिमूव करना। इन आवर टाइम एक्टर्स वर यूज टू बी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी सेज बशीर अंसारी। हमारे टाइम में जो एक्ट्रेस थे उसी को उनको इस्तेमाल किया दिए गए किसके लिए, डिसिप्लिन और असूल के लिए एंड पंक्चुअलिटी पाबंदी के लिए, बशीरा ने बताया। दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, अगर ये रिपोर्ट है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हेल्थ रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वी कैन स्टॉप COVID-19 मॉडरना, जो COVID-19 मॉडरना को स्टॉप कर सकते हैं। वैक्सीन सक्सेस गिव्स मोर होप, जो ये बोला जा रहा है मॉडर्ना जो को वैक्सीन है, जो ये वैक्सीन है बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाती है हम COVID-19 को स्टॉप कर सकते हैं इसी वैक्सीन के ज़रिए। हैज़ द PTI फेल्ड द टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये क्या है एक करंट सेंडरी पॉइंट, ये PTI के हवाले से है, ये हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोला जा रहा है कि PTI वर्क नाकाम हो चुकी है, इसी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट पॉलिटिकल इसको मैनेजमेंट करना, इसको सही तरीके से चलाना, अपोजिशन से डील करना। दूसरा ये है जनरल है, लोकल आर्टिस्ट आर कैचिंग अप एंड द रेट्रो पॉप म्यूजिक ट्रेंड एंड हेयर हाउ इट्स शेपिंग आउट फॉर देम, जो लोकल आर्टिस्ट हैं माहरीन हैं फनकार हैं वो कैच कर रहे हैं, वो जो रेट्रो पॉप म्यूजिक को कर रहे हैं ट्रेंड कर एंड हेयर सॉरी हेयर यहाँ से बोला जा रहा है टू बी इज आउट फॉर यस सॉरी हम कहाँ गए वन मिनट सॉरी वन मिनट सॉरी ये जस्ट सेंड में पॉइंट है, ये जनरल है इसको छोड़ दो, लेकिन आगे बढ़ेंगे। एटीट्यूड COVID-19 हैज फेल्ड टू रजिस्टर एज थ्रेट विद द पब्लिक एज इट्स लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट मैसेज, ये एडिटोरियल है, ये बोला जाए COVID-19 ने क्या एक नाकाम बना दिया है, रजिस्टर करें जो थ्रेट है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से एब्सेंट है गवर्नमेंट का जो मैसेज है वो अभी क्या एक एब्सेंट है। अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड सेगा का एक ब्लाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मैटर, इसको पढ़ लेना चाहिए, इससे फाइटिंग चल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, इंडिया क्रिएटिंग अनरेस्ट टू डैमेज CPAC कुरैशी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बात करने से होंगे कुछ हमारे फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने बताया कि इंडिया चाहती है कि वो CPAC को भी डैमेज करे, उसको भी नुकसान पहुंचाए। ये सारे आर्टिकल हैं, अगर मैं बोलूं तो ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिविल इज़ इन द डिटेल, ये क्या डिविल हमारे डिटेल्स में है, ये वेरी आर्टिकल सारी स्पेशली डॉन के होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आर्टिकल आपको पढ़ लेना चाहिए। आई होप दिस इज एडिटोरियल स्पेशल, दिस इज डॉन नॉट एडिटोरियल, दिस इज द डॉन न्यूज़ स्पेशली, सो आप जैसे पढ़ेंगे जो करंट अफेयर आपको ऐसे जस्ट इंट्रोडक्शन ब्रीफली आप पढ़ेंगे उसको भी आपसे क्लियर कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ओपन करके इसको भी पढ़ सकते हैं। सो आई होप दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, इफ़ दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर आफ्टर।